दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में क्लास 10th सब्जेक्ट हिंदी के ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बीबीआई 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसको अच्छे से जो है शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ उनको आप लोग अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। और बच्चों एक प्यारा सा कॉमेंट मुझे जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करते हुए आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है खंड में है जो कपठित गद्यांश और काव्यांश से दी गई है। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उससे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए यहां पे गद्यांश जो दिया गया है इस गद्यांश को आप यहां पे सबसे पहला जो हेडिंग है चार लाइन आप इसको ध्यान में रखेंगे। उतना जरूरी बड़ा नहीं पढ़ना है तो ये आप इसको जो है ना पूरा पढ़ लीजिएगा ठीक है आपके एग्जाम में इस प्रकार से रहेगा। तो देखिए देखिए क्या दिया है कि घड़ी की टिक टिक हमसे कुछ कहती है कि उसकी नियंत्रण सरकती हुई सुइयां कह रही है कि समय जा रहा है कुछ कर लो जो क्षण एक बार चला जाएगा वह कभी लौट कर नहीं आएगा। यानी दोस्तों आप सभी को यहां पे पूरी तरह से इंडिकेट करते हुए कह रहा है आप सभी की ओर संकेत करते हुए कह रहा है कि अभी जो आपके पास समय बचा है मात्र आज का जो है समय बचा है तो आज के भर आप लोग पूरी तरह से मेहनत कीजिए हिंदी की ताबड़तोड़ जो है तैयारी कर लीजिए ताकि कल जो आपका एग्जाम होने वाला है उसमें आप जो है ताबड़तोड़ जो है एग्जाम में जो है पूरी तरह से कलम तोड़ करके लिखेंगे। यानी कि आपका मार्कशीट वाला भी है आप लोग पूरी तरह से अच्छा फूल में फूल आप जो है अंक वहां पे उठाओ ठीक है। यहां पे उसका तात्पर्य यही कहने का मतलब है। तो दोस्तों इस गद्यांश को ना आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा इसको स्किप कर लीजिएगा और पूरी तरह से आप लोग जो है पढ़ लीजिएगा ठीक है। चलिए इसके क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न यहां पे दिया गया है कि घड़ी की नियंत्रण सरकती हुई सुइयां क्या कहती है कुछ आराम करो कुछ घूम लो नाच लो या कुछ कर लो। तो वो कहती है कि अभी जो समय बचा हुआ है उसमें आप कुछ कर लो। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 2 नंबर दिया गया कि गांधी जी ने किस वस्तु का अधिक महत्व बताया है। तो वो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा समय का परख करना सबसे अधिक महत्वपूर्ण बताया है। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि जीवन की कुंजी क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा समय का मूल्य समझ कर काम करना। तो ऑप्शन जो है 4 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 4th नंबर है कि अधिकतर व्यक्ति जीवन के अमूल्य क्षण किस प्रकार खो देते हैं। तो दोस्तों उधेड़बुन में कर देते हैं ठीक है। यहां पे देखिए क्या लिखा है उधेड़बुन में कर देते हैं यानी कि मटर गश्ती में खेल कूद में जो है अपना समय बिता देता है और वो अपना सही अमूल्य समय को जो है क्षण भर में जो है खो देता है। तो ये आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पे देख सकते हैं कहता है कि इस काव्यांश को पढ़ लेना है। तो देखिए यहाँ पे काव्यांश की कुछ पंक्ति है मैं कुछ पंक्ति पढ़ देता हूँ। लिखा है कि कुछ भी बन बस कायर मत बन ठोकर मार पटक माथा तेरी राह रोकते पहन। तो इसको ना आप लोग पढ़ लीजिएगा ठीक है। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर की चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है इसका क्वेश्चन दिया गया है 5वां नंबर कि कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है। तो दोस्तों कायर बनके चुपचाप जो रहना ये कवि के अनुसार जो है जीवन पूरी तरह से व्यर्थ है बेकार है ठीक है। तो ऑप्शन 4 जो इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि रे मानुष बस कतार कंदरन का आशय होगा। तो दोस्तों यानी कि दुख से रोना जो है इसका आशय यहाँ पे बता रहा है। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि कवि मनुष्य से क्या कहना चाहता है। कवि मनुष्य से कहता है कि मनुष्य कायर बनकर ना रहे इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 8वां नंबर है कि पथ चूमे तरकस का अर्थ है। तो क्या होगा इसका बच्चों इसका आंसर जाएगा पथ में कांटे हैं यानी कि जो है पथ में कांटे हैं लेकिन फिर भी आपको आगे बढ़ते जाना है आपकी मेहनत जो है बरकरार रखनी है। आपको ये नहीं कि कठिनाई आई मुझे पीछे कदम ले लेना है नहीं कदम आपको पीछे नहीं लेना है आपको कदम को बढ़ाते रहना है जब तक आपका लक्ष्य पूरी तरह से कंप्लीट ना हो ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है आपका व्याकरण से दी गई है। इसमें दिया गया है कि जिस वाक्य में कर्ता क्रिया और कर्म उपस्थित हो वहां कौन कौन सी क्रियाएं होती है। तो दोस्तों वह जो है सकर्मक क्रियाएं होती है याद रखेंगे जिसके वाक्य में कर्ता क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित रहता है उसको हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसको आप कॉपी में जो है अच्छे से नोट कर लीजिए। अगला सवाल दिया गया कि कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो बच्चों इसका आंसर आएगा बंदर नाचता है यह अकर्मक क्रिया का उदाहरण है ठीक है। अगला सवाल है कि मैंने
संवेद भिजवाया, यानी कि मैंने संदेश भिजवाया, ठीक है, याद रखिए, मैंने संदेश भिजवाया, क्रिया के भेद का नाम बताइए, तो यह क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया है, यानी कि यह जो है प्रेरणा दे रही है, मैंने संदेश आपको भिजवाया है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि दादी बच्चों को कहानी सुनाती है, इसमें से क्रियापद कौन है, तो दोस्तों यहां पे क्या है, कहानी सुनाती है और क्रिया का मैंने कहा था ना, क्रिया किसे कहते हैं आपको पता होगा, क्योंकि आप मैट्रिक के बच्चे हैं, आप दसवीं के विद्यार्थी हैं और आपका कल एग्जाम्स है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको तो कंफ्यूजन लगेगा ही, क्योंकि क्रिया होता क्या है, मैंने इसको पहले भी आप लोगों को डिस्कस करके बताया हुआ है, क्रिया का मतलब होता है जिस काम का होना, करना का बोध होता है, उसे जो है क्रिया कहा जाता है, तो दोस्तों यहाँ पे किसका होने का बोध हो रहा है, सुनने का, यानी कि यहाँ पे है सुनाती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बच्चे जो है बच्चों को जो है दादी कहानी सुनाती है, तो सुनाती ही क्रिया हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न दिया गया है कि पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया वाक में कौन सा भेद है, तो यह जो है कर्मवाची है, क्योंकि पिताजी के द्वारा जो है कर्म किया जा रहा है, यानी कि कर्म का बोध हो रहा है, तो इसलिए ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि कृतवाच्य वाक्यों में कर्ता का कार्य डैश होती है, तो क्या होती है, प्रधानता होती है, तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा, प्रधानता। अगला प्रश्न है कि गर्मियों में खूब आम खाया जाता है, तो यह जो है भाववाच्य है, क्योंकि दोस्तों यहां पे क्या है कि गर्मियों में खूब आम खाया जाता है, यह अपनी भावनाओं को बता रहा है, भावना को व्यक्त कर रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, दिया गया कि यथाशक्ति कौन सा समास है, तो यथाशक्ति जो है यह अव्ययी भाव समास है, ठीक है, अव्ययी भाव समास है, ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं, उसे हम लोग समास कहते हैं, ये याद कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि समास वाला आपका एग्जाम में 100% आएगा। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि जलज का अनेकार्थी नहीं है, तो जलज का जो है देखिए यहां पे क्या है, कमल, मोती और मछली, ये सभी जो है अनेकार्थी है, लेकिन बादल शब्द जो है ये अनेकार्थी शब्द नहीं है, ठीक है, ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है समुच्चयबोधक अव्यय के दो प्रमुख भेद कौन कौन से हैं, तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, समानाधिकारण और व्यधिकरण, ठीक है। देखो यहां पे क्या दिया गया है, ऑप्शन नंबर 3, इसको आप लोग जो है ना कॉपी में नोट करके इसको अच्छे से जो है रिवीजन कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न दिया गया कि विद्यार्थी अध्ययन डैश सफल नहीं हो सकते, यानी कि विद्यार्थी जो है अध्ययन के बिना सफल नहीं हो सकते, अध्ययन के बिना, ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा, के बिना, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक और शेष कौन सा उपवाक होता है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, आश्रित उपवाक, ठीक है, तो ये हो जाएगा आश्रित उपवाक्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सटीक आंसर होगा। अगला प्रश्न जो है खंडगौ है, जो कि पठित गद्यांश दी गई है, जो कि आपके चैप्टर से उठाए गए हैं, जो कि यहां देख सकते हैं, ये जो बाल गोविंद भगत वाला दिया गया है, दोस्तों मैंने पहले भी बताया कि बाल गोविंद भगत वाला और मन्नू भंडारी वाला आप जो है ना याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि वो एग्जाम में आता ही है। देखिए कौन कौन सा आता है, मैं आपको बता देता हूं, एक हो गया बाल गोविंद भगत, एक हो गया नेताजी का चश्मा, ठीक है, ये हो गया, दो हो गया, और एक परशुराम वाला, वो काव्यांश में आता है छोटा सा, उसके बाद दंतुरित मुस्कान, ये 4 से लेकर 5 तक आप उसको तैयार कर लेना, और उसके देखिए जितने भी कविता है ना, जितने भी कविता आपके कॉपी में सॉरी किताब में है, उसकी जितनी भी कवि कविता का नाम, लेखक का नाम, रचना रचनाकार का नाम, निबंध निबंध को लिखने वाला का नाम, वो सारा चीज जो है ना आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि उससे 100% आपकी जो है एग्जाम में क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो इसलिए दोस्तों उसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, जितने भी कविता है उनके कवि का नाम, जितने भी कहानी है उसके लेखक का नाम, सभी को याद कर लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड जो प्रश्न दिए गए उसको समझते हैं, तो देखिए यहाँ पे दिया गया कि बाल गोविंद भगत का कद कैसा था, तो दोस्तों बाल गोविंद भगत का कद जो है वो मंझोला था, ठीक है, याद रखेंगे मंझोला। अगला प्रश्न है कि बाल गोविंद भगत गले में कैसी माला बांधे रखते थे, तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा तुलसी की माला जो है बांधे रखते थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि प्रस्तुत गद्यांश को पढ़कर उचित विकल्प का चयन कीजिए, तो देखिए यहां पर दिया है अमरुद्दीन का जन्म डुमराव, यानी कि ये जो है बिस्मिल्लाह खां वाला से दिया गया है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, इसको भी आप लोग जो है अच्छे से नोट कर लीजिए और इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो देखिए इसका क्वेश्चन यहां पे दिया गया है कि अमरुद्दीन का जन्म कहां हुआ, तो दोस्तों डुमराव में हुआ था, ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा, डुमराव। अगला प्रश्न है कि कौन कौन एक दूसरे के लिए उपयोगी है, तो दोस्तों सहनाई और डुमराव जो है ये एक दूसरे के लिए उपयोगी है, और दोस्तों एक सब्जेक्टिव में सवाल आता है कि सहनाई वादक में जो है डुमराव को क्यों याद किया जाता है, ठीक है, और आपको मैंने बता दूं कि
कि बिस्मिल्लाह खां को शहनाई वादक का मंगल ध्वनि क्यों कहा जाता है, यह जो है ना, ये दो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इसको एक दोनों में से एक तो कंफर्म है कि बोर्ड परीक्षा में टच होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए दिया गया है कि पठित काव्यांश में कि प्रस्तुत काव्यांश को पढ़कर सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए मैंने जिस तरीके से बताया ना कि दंतुरित मुस्कान वाला आएगा, देखिए यहां पे दिया है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए दिया गया है कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान धन तुम महा भी तुम्हारी धन्य चिर प्रवासी का इर इतर मैं अन्य अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क अंगुलिया माँ की कराती रही मधुपर्क। तो इसको जो है ना आप पढ़ लीजिए। चलिए इसका क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया गया प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है। देखिए मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि जितने भी कवि हैं, जितने भी कविता हैं, उनके कवि का नाम आप लोग याद रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे वही पूछा गया है कि ये जो दंतुरित मुस्कान वाला कविता है ना, इसके जो है कवि का नाम क्या है। तो दोस्तों इसका नाम क्या है, नागार्जुन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा, नागार्जुन। ठीक है, चलिए अगला सवाल दिया गया है कि दंतुरित का क्या अर्थ होता है। दंतुरित का अर्थ होता है नए नए दांत। दोस्तों आपने देखा होगा कि जो बच्चे का जन्म होता है उसका नए नए दांत जो है आते हैं, उसको हम लोग कहते हैं दंतुरित मुस्कान, यानी कि नए नए दांत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए दिया गया है कि प्रस्तुत काव्यांश को पढ़कर सही का उत्तर चयन करें। तो यहां पे सिर्फ जो है ये चार पंक्ति दी गई है, सॉरी एक ही पंक्ति दी गई है। देखिए मैंने कहा था ना कि परशुराम वाला से को पूछेगा, तो दिया गया है कि बालकु बोली बात हो नहीं तो ही। तो इसका जो है यहां पे दिया गया इस काव्य की पंक्ति में रचयिता कौन, रचयिता कवि का नाम क्या है, ये हो जाएगा तुलसीदास। सवैया चैप्टर है ना, उसी से यहाँ पे उठा गया है। तो सवैया किसने लिखा था, तुलसीदास ने ना, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर। अगला प्रश्न है कि उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों यह हो जाएगा अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका सटीक आंसर होगा। अगला प्रश्न जो है खंड गौ से है, जो कि पाठ्यपुस्तक से ली गई है, जिसमें यहाँ पे पहला प्रश्न दिया है कृष्ण का संदेश सुनकर गोपियों की स्थिति कैसी हो गई थी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा आप मुझे बताएं, क्योंकि मैंने अभी जस्ट एक वीडियो मैंने आपको मॉर्निंग में दिया है, उसमें यह क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसको आप लोग जो है अच्छे से याद करेंगे। इसका आंसर आएगा बिरह की आग जगी, यानी कि दोस्तों उसकी जो है वो जो उसके प्रेम के आस में लगे हुए थे, लेकिन जब वो संदेश को सिर भेजवाया गोपियों को, तो क्या हुआ, तो वो उद्धव के द्वारा, तो उसका जो है बिरह में आग लग गई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है 2 इसका सही आंसर होगा, बिरह की आग जगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए दिया गया है कि उत्साह कविता किन अर्थों और इशारों को करती है। तो यानी दोस्तों उत्साह की जो कविता है वो किन अर्थ और इशारा को दर्शा रही है। तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ललित कल्पना क्रांति चेतना के साथ नव निर्माण नव संसार की संचार की ओर जो है यह संकेत कर रही है, इशारा दे रही है। तो ऑप्शन 2 इसका सटीक आंसर होगा। चलिए अगला सवाल जो है दिया गया है कि मुख्य गायक की आवाज कैसी होती है। तो मुख्य गायक की जो आवाज होती है ना, वो किसे कहते हैं, देखिए ये क्या होता है, चट्टाने भरी भारी नहीं, तिनके जैसे कमजोरी नहीं। तो मुख्य गायक की जो आवाजें होती है वो चट्टान जैसे भारी होती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल दिया है कि धुंधला प्रकाश किसका प्रतीक है। धुंधला प्रकाश जो है वो अस्पष्ट सुख का जो है प्रतीक है। ठीक है, याद रखेंगे, अस्पष्ट सुख का प्रतीक है। ठीक है, अगला प्रश्न है मृग तृष्णा का अर्थ है। तो देखिए मृग तृष्णा किसे कहते हैं, यह क्वेश्चन काफी VBI है, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों यहां पे पूछा गया है कि मृग तृष्णा जो है किसे कहा जाता है, यानी कि इसका अर्थ क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर होता है मृग तृष्णा का छावला। ठीक है, क्या होता है, छलावा, यानी कि जिसको कहते हैं ना छल कपट, तो वही हो गया मृग तृष्णा। तो ऑप्शन 3 का सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि पाठ मां का आंचल में मर्दुए शब्द किसने किसके लिए जो है प्रयुक्त किया है। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, लेखक की माता ने लेखक के लिए जो है किया है। ऑप्शन 3 इसका सटीक आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मूर्तिकार ने अंत में मूर्ति के नाक के लिए क्या सुझाव दिए। तो दोस्तों इसका भी आंसर क्या होगा, जिंदा नाक लगा दी जाए, इसको लेकर जो है सुझाव दिया था। दोस्तों जॉर्ज पंचम की नाक अखबार में क्यों छप गई थी, उस क्वेश्चन को आप अच्छे से जो है रिविजन कर लीजिएगा। जॉर्ज पंचम की नाक जो है खो गई थी, उसकी दशा किस प्रकार से व्यतीत किया गया था और किसको इंडिकेट निर्देश दिया गया था, यह भी आप लोग जो है याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपका 100% टच होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए दोस्तों याद दिया गया है कि सना सना हाथ जोड़ी प्रार्थना लेखिका ने किस देश की युवती से सीखी थी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, नेपाल देश की लड़कियों से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कैप्टन कौन था। देखिए काफी VBI है, मैंने कहा था कि पान वाला जो चैप्टर है नेताजी का चश्मा से, वो उससे जो है 4 से 5 क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में दे रहा है, तो इसको जो है आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे दिया कि कैप्टन जो है वो कौन था,
कैप्टन किसको कहा जाता था बच्चों? तो कैप्टन जो चश्मा बनाने वालों का ना, तो चश्मा बनाने वालों जो चश्मा बेचने वाला था ना, सॉरी चश्मा बेचने वाले को कैप्टन कहा जाता था, जो कि लंगड़ा था, अपाइस था, उसी को जो है सभी जो है उसको कैप्टन कहा जाता था। और क्यों कहा जाता था, ये क्वेश्चन आप एग्जाम्स के लिए जो है तैयार कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया कि लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार कर दिया, तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा आत्मसम्मान की रक्षा के लिए जो है उन्होंने इनकार कर दिया था, तो ऑप्शन दो इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल जो है दिया गया कि फादर कामिल बुल के हिंदी को किस रूप में देखना चाहते थे, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, यह हो जाएगा राष्ट्रभाषा के रूप में जो है देखना चाहते थे। दोस्तों यह ऐसे ऑब्जेक्टिव 40 क्वेश्चंस हैं जो कि आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको परीक्षा से पहले एक बार जरूर रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये आप लोगों का श्योर है, ठीक है। तो चलो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।